मित्रों, बांबू फार्मर में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान, बांबू ग्रोवर, आज ले चलता हूँ मेरे बगथला के एक फार्म के अंदर में, जहाँ पे सिंगल रेनिंग सीजन में ही, बारिश के मौसम में ही सिर्फ खेती बाड़ी हो रही थी। और वहाँ पर हम लोगों ने एक साहस किया कि यहाँ पर हम एक छोटा सा चेक डैम बनाते हैं, बारिश के पानी को संग्रहित करते हैं और उस बारिश के पानी से हम बांस को लगाएंगे। और तकरीबन हमने 25 एकड़ के अंदर में यहाँ पर 25 बीघा 10 एकड़ के हिसाब से हमने यहाँ पर बांस लगाया है। और यहाँ पर आज मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि एक 2 से 2.5 एकड़ जमीन हमने, ढाई बीघा यानी 1 एकड़, हमारे क्षेत्र के हिसाब से 16 गुठा यानी 1 बीघा होता है, उसके हिसाब से 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन हमने ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, पानी को संग्रहित करने के लिए यहाँ पर स्टोरेज बनाया, छोटा सा जो है ये चेक डैम बनाया। और इससे हम लोग जो है वो पूरी गर्मियों की सीज़न के अंदर में पानी लेते हैं, सर्दियों में भी यहाँ से ही पानी चलता है। आज 6 अप्रैल है 2024, और आज के दिन में आप देख सकते हैं जब ये बारिश के सीज़न में था तो ये पूरा भरा हुआ था, तकरीबन 9 से 10 फीट तक इसमें पानी अभी डाउन हुआ है। समझ लीजिए सितंबर को बारिश ख़त्म हुई होगी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल, 6 मंथ तक हमने इसमें से पानी लिया हुआ है और अभी 10 फीट हाइट कम हुई है। यहाँ पे कम लेवल का पानी है, यहाँ पर गहरा किया हुआ है, ये तकरीबन 16 फीट का हमने किया हुआ है, टोटल 22 से लेकर 26 फीट की हाइट हमने इसको डेप्थ में दी थी। और उतना पानी हमें 10 एकड़ के लिए पूरा हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर हमने की है, क्योंकि जब रेनिंग सीजन का पानी है तो मस्त पानी रहता है, विंटर आते आते वही पानी 800-900 TDS में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हेवी ब्लैक सॉइल सिर्फ ऊपर 3 से 4 फीट की है, नीचे वाइट मेट आता है जो थोड़ा सॉल्टेड रहता है, और पानी उसके साथ में टचिंग में रहेगा या उसी में से पानी निकल के आएगा तो वो विथ TDS आएगा, सॉल्ट को लेकर आएगा, तो वो जाते जाते आगे तकरीबन कह सकते हैं 1700-1800 TDS तक ये मई महीने के आसपास में हो जाता है। तो उसमें हमने जो ये बांस लगाए हैं, आप भी आपके क्षेत्र में जहाँ पर भी पानी का बहुत सोर्स नहीं भी है तो वहाँ पर भी इस तरीके का साहस कर सकते हैं, जिसमें ड्रिप इरिगेशन से आप काम कर सकते हैं। ड्रिप डालने के हिसाब से और खारे पानी के होने के कारण यहाँ पर उतना फास्ट ग्रोथ नहीं दिखने में आया है जितना फास्ट ग्रोथ मीठे पानी, बढ़िया ज़मीन और फ्लड वाटरिंग के अंदर में आता है। तो आपके पास में भी अगर मीठा पानी और पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है तो आप फ्लड वाटरिंग करिएगा, अगर आपके पास लेबर अवेलेबल है तो, अदरवाइज़ ड्रिप इरिगेशन से ठीक ठीक पानी है, थोड़ा कम पानी है तो भी आप बांस लगा सकते हो। थोड़ा खर्चा रहेगा, बोरवेल या कुआ वगैरह करते हैं उसमें भी जैसे खर्चा आता है वैसे ही, इस तरीके का चेक डैम एक बार बन गया तो उसके बाद 5-6 साल के बाद में फिर से उसको डाउन थोड़ा सा करना पड़ता है, मिट्टी बाहर की रेनिंग सीजन में धूल की आती है, बह के आती है, तो फिर से डेप्थ करवानी पड़ती है 4-5 साल में एक बार। तो इस तरीके से भी आप बांस को लगा सकते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए बांस की खेती में हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।